सर एक्चुअली आई वांट टू नो हाउ टू एक्टिवेट द फर्स्ट चक्र। दो प्रकार के रास्ते, एक क्रमिक मार्ग है, योग साधना करते करते चक्र को भेदो। देह का चक्र है ना कि आत्मा का चक्र है? चक्र तो शरीर में रहते हैं ना, पांच चक्र, वो सब क्रमिक मार्ग है। यहाँ तो अक्रम मार्ग है, और अक्रम मार्ग ऐसा है कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने आप चक्रों, वो चक्र वाला चेक करता है तो बोलता है आपके चक्र सब जागृत हो गए, जागृति चक्र की जागृत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जागृत हो जाते। लाइक मेडिटेशन? नॉट मेडिटेशन, नॉलेज, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो प्राप्त करना। ये चक्र तो सचमुच क्या है कि पतंजलि ने बताया था कि चक्र धीरे धीरे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग साधना करते करते ऊपर निर्विकल्पी समाधि के तक पहुँचो। तो अक्रम में कृपा से ही डायरेक्ट जो आठवां अष्टांग योग आठवां योग है निर्विकल्प समाधि, वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। ये यज्ञ तप यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याख्यान करने नहीं पड़ते, ध्यान धारणा ध्येय सब सीधा ध्येय स्वरूप बना देते, निर्विकल्प समाधि कृपा से ही प्राप्त हो जाती है। ये चक्र बाय प्रोडक्शन में छूट गए, हमें पहुँचना है वहाँ डायरेक्ट पहुँचा देते, स्टेप 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 चक्रों का छूट जाता है। एंड इज इट पॉसिबल नाउअडेज? क्या चक्र जागृत करना? या वो चक्र जागृत करने वाला, ये हमारे पास तो डायरेक्ट लाइन का बात है, चक्र वाला इधर नहीं मिलेगा आपको, वो बाहर कोई सिखाता है तो उनके पास जाइए। बाकी यहाँ तो लास्ट रिजल्ट आपको यहाँ सीधा मिल जाएगा। एक एक अष्टांग योग, एक एक योग सिद्ध करते करते तो कितना अवतार चले जाता है, बहुत डिफिकल्ट मार्ग है। और ये कृपा से इनको अनुभव हुआ है आत्मा का डायरेक्ट अनुभव, तो उनकी कृपा से एक प्रगट दीवा दिया हुआ है तो दूसरा दीवा प्रगट हो सकता है अपने आप, उसको टच होने की ज़रूरत, ऐसे प्रगट दिया से कृपा से ही दिया प्रकट हो जाएगा, वो चक्र से ऊपर की बात मिल जाएगी, कुंडलिनी जागृत भी नहीं करनी पड़ेगी, आत्मा ही जागृत सीधा हो गया। और कितने भी कुंडलिनी जागृत किया, सब चक्र जागृत किया, फिर भी आत्मा जागृत होने का तो बाकी ही रह जाएगा। तो यह आत्मा जागृत कर लो। क्या नाम है आपका? अर्केश। तो आप सचमुच अर्केश हो? सच्ची बात है? नो। देन हु आर यू? हु एम आई? आत्मा इज परमात्मा। आत्मा इज परमात्मा, पर परमात्मा और आत्मा, और आप खुद कौन हो? आप बोलते मैं अर्केश हूँ। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस तो सबको मालूम है मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ वो जानने की जरूरत है। एग्जिस्टेंस तो बराबर है, योर एग्जिस्टेंस इज देयर, बट वस्तुत्व का भान है मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद कौन हूँ, और वो प्राप्त करना उसी को ही आत्मज्ञान बोला जाता है। और वो प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं, एक रास्ता तप करो बताया, एक रास्ता त्याग करो बताया, एक योग साधना करो बताया, पर मनोयोग होएगा, देह योग होएगा, फिर आत्मयोग तो बाकी रह गया। तो यहाँ आत्मयोग सीधा मिल जाता है, मनोयोग वचन योग देह योग से मुक्ति और आत्मयोग सीधा, यानी उसको अक्रम मार्ग बोलते हैं। और जो आपने बताया वो क्रमिक मार्ग, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप रास्ता दादर चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ो, और छोड़ा नाइन्थ स्टेप पे जाना है तो आठ का त्याग करना पड़ेगा, नौ को ग्रहण करना, बाद में नौ को त्याग करो, दस को ग्रहण करो। और यहाँ ग्रहण और त्याग अज्ञानता का त्याग करा देते हैं, अहंकार ममता का त्याग करा देते हैं, और आत्मा का ग्रहण करा देते हैं। ग्रहण त्याग की झंझट छूट जाएगी बाद में आपकी।